हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ फ्रॉम 15। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, नीचे ये बटन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। जो एमपी जैन है हमारे, उन्होंने इसके दो मतलब बताए, कह रहे इसके दो मतलब है यार। पहला मतलब है जो एक पावर्स लेजिस्लेशन के थ्रू दी जाती है सबकोर्डिनेट एजेंट को, जैसे कोई ऊपर हेड है वो अगर दूसरे काम में बिजी है तो उस काम के लिए वो अपने नीचे वाले बंदे को पावर दे देता है उस काम करने के लिए। जैसे सीएम हो गए, सीएम के नीचे और अथॉरिटीज़ हो गए, फिर उसके नीचे और अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, जो सेकंड एजेंट थे ना, सब कोऑर्डिनेट एजेंट जिसको पावर दी थी, जो रूल बनाते हैं वो रूल बनाएंगे जो लेजिस्लेशन के अंदर पावर दे रखी है उसी के हिसाब से। ये नहीं कि अपने मुताबिक वो कुछ भी रूल बना देंगे, ठीक है। अब उसका सिंपल मीनिंग जान लेते हैं क्या है। अ लॉ क्रिएट बाय अ पर्सन, एक कोई भी लॉ जो क्रिएट करा है पर्सन से या किसी भी ग्रुप से, जो पावर देता है पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ, इस लॉ का हम, इसको हम अनप्राइमरी लॉ भी कहते हैं, जो बनता है पार्लियामेंट में और अप्रूव होता है दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस में पास हो गया, फिर उसके बाद फिर साइन होता है गवर्नर से, गवर्नर जनरल से। इसके अंदर एक केस देख लेते हैं, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर वर्सेस ओम प्रकाश। इसके अंदर ये था कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो एक एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रहा है, पेरेंट एक्ट है, मतलब पेरेंट एक्ट जिसका वो बेस है, जैसे सेबी है, ठीक है, सेबी उसका पेरेंट एक्ट है, उसके मुताबिक से उसका सबकोऑर्डिनेट एजेंट काम कर रहा है, तो जो उसके अंदर पावर और जो उसकी लिमिट दे रखी होगी ना, उसी के हिसाब से उसको काम करना है। ये नहीं कि उसके हिसाब से बाहर जाके काम करेगा वो, ठीक है। फिर हम जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है, नेसेसिटी क्यों है डेलीगेशन की। पहला पॉइंट है प्रेशर ऑन पार्लियामेंट। भाई लोग, तुम्हें तो पता ही है पार्लियामेंट में कितना प्रेशर है, कि उसके इतना है नहीं कि वो हर एक मैटर पर, हर एक छोटी चीज़ों पर वो लॉ बनाए, इसलिए अपने सब कोऑर्डिनेट एजेंट्स को वो पावर डेलीगेट कर देता है कि भाई तुम इस फील्ड में जाके तुम लॉ बनाओ। जैसे लोकल में, जो लोकल में अथॉरिटी, उसे पता होगा ना कि एक उसके जो आसपास में रहते हैं उसको किस चीज़ की जरूरत है, ये तो इसमें उसे पता भी चल जाता है, ऊपर से वो पार्लियामेंट का काम भी हल्का हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट में अमेंड करना है, तुम्हें पता है कितना स्लो और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो डेलीगेट लेजिस्लेशन होता है, इसके अंदर बहुत ईजी तरीके से तुम्हारा अमेंड हो जाता है और बहुत जल्दी वो प्रोसेस में आ रहा तो इम्प्लीकेट भी हो जाता है वो। थर्ड है एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव है डेलीगेशन लेजिस्लेशन के अंदर, वो कुछ टाइम के लिए एक लॉ बनाते हैं, कुछ समय के लिए वो देखने के लिए कि वो लॉ सोसाइटी में क्या असर दे रहा है, या अच्छा दे रहा है बुरा। अगर वो बुरा दे रहा होता है तो उसको उसी टाइम हटा देते हैं, जैसे कैसे रूल्स हो गए ट्रैफिक में, ट्रैफिक के मैटर में हो गए, रोड के मैटर में हो गए, या टैक्स के उसके में हो गए, टैक्स नहीं कह सकते, इसमें टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारी पावर एग्जीक्यूटिव को दी जाती है, उसके अंदर डेलीगेशन लेजिस्लेशन बहुत काम का फ़ायदे का माना जाता है। जैसे इमरजेंसी के टाइम, जैसे इमरजेंसी हो गई, ठीक है, एक हेड वो कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपनी पावर देगा किसी और को, पास करेगा, ये तो है नहीं वो एक जगह से बैठे बैठे वो पूरे कंट्रोल कर लेगा, नहीं, जो उसके नीचे जो वहाँ उस एरिया में बंदा है उसे ही तो पता होगा कि उसके एरिया में क्या हो रहा है और किस कैसे और किस प्रकार से उसको हम रोक सकते हैं। इस ऐसे टाइम में, इमरजेंसी टाइम में डेलीगेशन लेजिस्लेशन बहुत काम आता है। एक होता है टेक्निकलिटी में से क्या समझोगे, टेक्निकलिटी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसके अंदर एक नॉर्मल इंसान, एक पॉलिटिशियन नहीं सोच विचार कर सकता, ना उसके अंदर अपनी राय दे सकता, ना उसको बारे में बता सकता, क्योंकि उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। कुछ चीज़ों के अंदर हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, उसे वो इंटरप्रेट कर सके, सोसाइटी को बता सके कि कैसे वो उसको
सोसाइटी में इफेक्ट है अच्छे, वो कैसे उसको और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे हो गया आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गया, हाइड्रो प्लांट हो गया, ऐसे मैटर जिसमें हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।